أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العلي الأعلى، والصلاة
سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى الرسول المرتزى الولي المجتبى الأمين على وحي السماء منبع الجود والسخاء وعلى آله وأصحابه مصابيح العلم والهدى ومصابيح التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحمن والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ الوداع کی خطاب کا موضوع ہے تقرب ربانی، the divine nearness، اور اس کے ذرائع means. آج کی خطاب میں ہم کو یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ قربت الہی، قربت ربانی، the divine closeness اور the divine nearness کے اسباب کیا ہیں اور ذرائع کیا ہیں، کن اسباب سے اور ذرائع سے ہم اللہ جل مجدہ سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب سے قریب تر ہو سکتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید نے دو تصور دیے، ایک تصور اور کانسیپٹ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا اور کلوز ہونے کا دیا، اور دوسرا تصور اور کانسیپٹ ان ذرائع کا اور ان مینز کا اور ان اسباب اور وسائل کا دیا جنہیں اپنا کر مومن اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہو سکتا ہے. ان میں بعض ذرائع وہ ہیں اور بعض وسائل وہ ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے اور ہمیں دیے. ان میں سے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، شبیداری ہے، راتوں کو جاگنا ہے، اعتکاف ہے، تراوی ہے، تسابی ہے، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، اور کثرت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے. زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہیں، دینی خطابات ہیں، دروس ہیں، درس، دینی علوم کو پھیلانا ہے، اسے عام کرنا ہے.
ये वो असबाब हैं और वो जराए हैं जिनसे इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब से करीब तर होता चला जाता है। मैं आज अपनी टॉपिक से रिलेटेड एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं जो आज के खिताब की रूह और स्पिरिट है। यह हदीस अपने वक्त के बड़े अजीम मुहद्दिस आलिम अल-हुज्जा अल-हाफिज अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब अन-नसाई नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपनी खसाइस उल-इमाम अमीर अल-मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब में बयान की है। और ये वो अजीम मुहद्दिस हैं जिनकी एक किताब अस-सुननुल कुबरा जो सुनन नसाई से फेमस है सियाह सित्ता में से एक है। दरसियात में दौर हदीस में उनकी किताब सुनन नसाई सुनन कुबरा दाखिल निसाब है। और जो हदीस में बता रहा हूं इसकी सनद के बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा कि इसनादहू सही, इस हदीस की सनद सही है और ये मुस्तनद और ऑथेंटिक हदीस है। और हदीस सैयदुना इमरान बिन हुसैन नव्वरल्लाहु मरकदहू व रदियल्लाहु तआला अन बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैशन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा। वस्तअमल अलैहिम अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन वकर्रमल्लाहु वजहा, और उस लश्कर का अमीर, उस लश्कर का कायद रहनुमा और चीफ सैयदना अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। फमदाफ सरिया, ये मुहिम पे रवाना हुआ और दुश्मन के खिलाफ लड़ता रहा। फमदाफ सरिया सो वो जंगो जेदाल कत्लो कताल लड़ाई अपने इख्तिताम तक पहुंची। जाहिर है कि कत्लो कताल की एक इब्तिदा होती है और एक इंतहा होती है। सो इंतहा हो गई और जंग खत्म हो गई। फासाब जारियतन, माल गनीमत आया, माल गनीमत में खवतीन भी थी। सैयदुना मरकदह ने उनमें से एक कनीज को लिया जो खवतीन थी माल गनीमत में, उनमें से अपने लिए एक लौंडी का कनीज का इंतखाब किया। फन करू अलई, साहबा ने उनके इस इंतखाब को नाश ना जाना, उन्हें मना करना चाहा, उनकी ऐबजोई की। ये सारे मानी हैं इनकारुल अम्र अला शई के, आपस में कहने लगे कि देखें इन्होंने अपने लिए फलां कनीज का और फलां लौंडी का इंतखाब किया और वो ले ली। फता कदा अरबातुम मिन अस्हाब रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार सहाबा ने
बाहम ये अहदो पैमान किया और एक दूसरे से ये वादा किया, एक दूसरे से ये प्रॉमिस लिया। फकालू इदा लकीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनशकु अलैहि, कि जब हम वापस जाकर मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला के खिलाफ इनकी शिकायत करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल गनीमत में जो खवतीन आई हजरत अली रदी अल्लाह ने अपने लिए फलां कनीज का और लौंडी का इंतखाब किया और उसे ले लिया। सो ये लश्कर रवाना हुआ सुए मदीना मुनव्वरा, सुए दियारे हबीब। वकान अल मुस्लिमूना इजा रजऊ मिन सफर फसल्लमू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मन सरफू इला रिहालिहिम। उस जमाने में मुसलमानों का ये दस्तूर था, सहाबा का यह आम तौर पर होता कि जब वो सब सफर से पलट कर आते और सफर से लौट कर आते तो पहले घरों को नहीं जाते, पहले बीवी बच्चों को अहलो आयाल को देखने ना जाते, सबसे पहले हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, फसल्लल्लाहु सलाम करते और हुजूर को सलाम करके सुम मन सरफू इला रिहालिहिम फिर घरों को जाते। ये हुजूर सलाम कि उस सलाम की बरकत थी, हुजूर से उस वालेहाना इश्क की बरकत थी, ये इश्क मोहम्मदी का फैजान था कि उन सहाबा में सिद्दीकीन भी हुए, उनमें शुहदा भी हुए, उनमें सालिहीन भी हुए, उनमें अइम्मा दीन भी हुए, उनमें फुकहा मुज्तहिदीन और मुफस्सिरीन भी हुए। ये हुजूर पे सलाम का फैजान था कि उनके घरों में सलामती थी, उनके घरों में अमन था, अमान था, पीस और चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। लोगों मालूम हुआ कि अमन अमान और पीस हुजूर पे दुरूद व सलाम भेजने में है और आज भी पूरी दुनिया में सलातो सलाम वाले हुजूर की बारगाह में कसरत से सलातो सलाम पेश करने वाले अमन अमान सुकून और इत्मीनान के हामिलीन हैं। आज हुजूर की बारगाह में इश्क़े मुस्तफा मुस्तफ़वी में डूबकर और इश्क़े मुस्तफ़वी के समंदर में गौतज़न होकर दुरूद व सलाम पढ़ने वालों के यहां अमन है, अमान है, सुकून है। सहाबा के यहां घरों में जाना बाद में है, बारगाह मुस्तफा में हाजिर होना पहले है, घर वालों को अहलो आयाल को देखना बाद में है, हुजूर को देखना पहले है, घर वालों को सलाम करना बाद में है, हुजूर को सलाम करना पहले है। अपने घरों में जाकर खानदान वालों से मिलना ये बाद में है, मैं हदीसे सही बता रहा हूं, और हुजूर सलाम से मिलना और हुजूर की ज्यारत को आना ये पहले है। यकीनन जिन आंखों से उन्होंने हुजूर को देखा होगा और हुजूर सलाम के चेहरे वद्दुहा के अनवार को अपने बातिन में जज्ब किया होगा, फिर उन आंखों से घर वालों को देखा होगा, बीवी और बच्चों को देखा होगा, अहलो आयाल को देखा होगा, तो उस आंखों का फैज उस पूरे घर वालों को नसीब होता होगा। आंखों का वो फैज, आंखों की वो बरकत पूरे घर वालों को मुंतकिल होती होगी और यकीनन हुई है, इसलिए कि ये दीदार महबूब है, ये दीदार ताजदार कायनात है, इसकी बेपना तासीर है, इसके बेपना असरात हैं। और जिन आंखों ने अल्लाह सल्लमा को देख फिर किसी और को देखा तो उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदल दी,
उनके तकदीर बदल दिए, उनके सुबह शाम बदल दिए। ये सहाबा का तरीका है, ये सहाबा का इश्क है। वरना किसी हदीस में आज तक मुझे ना मिला और ना किसी हदीस में यह है कि हुजूर ने उनको बताया हो कि जब तुम सफर से पलट कर आओ तो पहले मेरे पास आना फिर घरों को जाना। हुजूर ने कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। लेकिन हर बात बतानी की नहीं होती, बाज बातें किताब इश्क मोहम्मद में होती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फकत दुनिया के किताबों के पढ़ने वाले न थे, वो किताब इश्क मोहम्मद के पढ़ने वाले थे और उसके पढ़ाने वाले थे। अगर सहाबा से कोई पूछता कि ये किस किताब में लिखा है कि सफर से लौटने के बाद पहले हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ जाए, हुजूर को सलाम किया जाए, तो उनका जवाब ये था, नादान, ये किताब इश्क मोहम्मद में लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मन सरफू इला रिहालिहिम, फिर घरों को जाते। फलम्मा कादिमत सरिया, जब वो काफिला आया, जब वो लोग आए, फसल्लमु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हुजूर को सलाम किया, हुजूर पे सलाम भेजा। और मसला भी ये है, आप जानते हैं जहां सलातो तौबा है, सलातुल हिफ्जुल ईमान है, मुख्तलिफ नमाजें हैं, सलातो तस्बीह है, तो वहां सलातो सफर भी है कि जब मुसाफिर सफर से आए तो पहले मस्जिद जाकर दो रकात सफर की नमाज अदा करे फिर घरों को जाए। मैं इस हदीस को समझने के बाद उस हदीस को समझाऊं, उस वक्त तक नहीं समझता था मस्जिद जाकर और नफल दो सफर के पढ़कर फिर घरों को क्यों जाना है, ये सुन्नत क्यों है। ये हदीस पढ़ के मैं समझ गया कि आज हुजूर सलाम फिजिकली हम में ना रहे, जाहिरी तौर पे हम में ना रहे, लेकिन हुजूर की रूहानियत दुनिया के गोशे गोशे में जलवगर है। जब नमाजी नमाज पढ़ता है, आप जानते हैं कि फिर अत्तहियात होती है, अत्तहियात में हुजूर पे सलाम होता है। तो आज भी अगर आप सोचते हो काश उस वक्त हम होते, उस वक्त हम होते, घरों को न जाते, पहले हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर सलाम इश्क सलाम अकीदत पेश करते फिर घरों को जाते। आप तो हुजूर जाहिरन फिजिकली हम में न रहे, तो आपके लिए बशारत है, खुशखबरी है कि बजाय घरों को जाने के मस्जिद आए, दो रकात नमाज पढ़ें और फिर जब तहियात में बैठें तो सलाम इस तसव्वुर से पेश करें जिस तसव्वुर से सहाबा हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते थे। ये हदीस ख्याल में लाके कि महबूब आज आप जाहिरन हम में न रहे लेकिन हमारी इश्क की कैफियत बताती है, हमारा विजदान बताता है कि आप हर आशिक के साथ हैं, आप हर मुहिब के साथ हैं, आपके अनवार और तजल्लियात दुनिया के गोशे गोशे में समाये हुए हैं, आज भी आप हमारा सलाम सुनते हैं। तो उस हदीस से ये हदीस समझ में आ गई कि सफर से आकर दो रकात क्यों पढ़ते हैं। तो बता रहा था फसल्लमु आला रसूलिल्लाह, हुजूर की बारगाह में आए क्यों आए, सलाम के लिए, सलाम अकीदत पेश करने के लिए। उसके बाद आम अहदुल अरबा फकाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम तरा अन्न अली इब्न अबी तालिब सना कजा व कजा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने न देखा कि अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला उन्होंने ऐसा ऐसा किया। सहाबा का अकीदा है कि हुजूर है यहां लेकिन यहां होके भी हमें वहां देख रहे हैं। तो फरमाया या रसूलल्लाह क्या आपने नहीं देखा कि हजरत अली इब्न अबी तालिब ने क्या किया किया, क्योंकि उनकी ये शिकायत नामुनासिब थी। शरीयत सुन्नत, शरीयत और सुन्नत के अहकाम हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को उस काम की इजाजत देते हैं जो उन्होंने किया है। उनका वो काम, उनका वो आमनत कुल ऐन मुताबिक था, लेकिन हुजूर को उनकी ये शिकायत पसंद नहीं आई
فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ, حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے شکایت کرنے والے سے اپنا رخ مبارک موڑ لیا. معلوم ہوا حضور کو حضرت علی کی شکایت پسند نہیں ہے. حضرت علی کی شان گھٹانے والے سن لیں کہ حضور کو ان کی خلاف جب شکایت سننا گوارا نہیں ہے تو پھر ان کی شان کو گھٹانا کیسے گوارا ہوگا. وہ شکایت کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے, حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور اس سے پھیر لیا لیکن وہ پھر بھی نہ سمجھے. ثم مقام الثانی, پھر دوسرا اٹھ کھڑا ہوا. فقال مثل ذلك, اس نے بھی وہی بتایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کی. حضور نے اس پہ بھی توجہ نہ دی. ثم مقام الثالث فقال مثل مقالته, پھر تیسرا اٹھ کھڑا ہوا, اس نے بھی وہی بات کہی. حضور علیہ السلام نے اس پہ بھی کوئی توجہ نہ دی. ثم مقام الرابع فقال مثل ما قالوا, پھر چوتھے صحابی نے بھی وہی کہا جو پہلے اس کے دوستوں نے کہا تھا. فاقبل الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضور علیہ السلام نے جب ان چاروں کی باتوں کو سنا تو اپنا رخ انور ان صحابہ کی طرف کیا, ان شکایت لگانے والوں کی طرف کیا. ان کی شکایت بھی بن نیتی سے نہیں تھی, حسن نیت تھی, ان کی نیت اچھی تھی. ان کی شکایت بھی حسن نیت پہ مبنی تھی, پوچھنا چاہ رہے اور یہ انتظام اللہ کی بارگاہ سے ہوا. نہ وہ شکایت کرتے نہ حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کا یہ مقام بتاتے جو حضور بتا رہے ہیں. تو ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. فاقبل الیہم رسول اللہ, حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور ان کی طرف موڑا, ان کی طرف کیا. فقالا, حضور نے فرمایا, ما تریدون من علی, لوگوں تم علی سے چاہتے کیا ہو, تمہیں علی کے خلاف کس نے برانگیختہ کیا, کس نے موٹیویٹ کیا, تمہیں یہ تحریک اور موٹیویشن کس نے دی, تم کیا چاہتے ہو حضرت علی المرتضیٰ سے. اور فرمایا, ان علی منی وانا منہ, سنو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, اور جو مجھ سے ہوتا ہے اور جس سے میں ہوتا ہوں اس کا کام کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوتا, اس کی ہر ہر ادا پھر سنت مصطفیٰ ہوتی ہے, اس کی پھر ہر ہر ادا ادائے مصطفیٰ ہوتی ہے, پھر اس کا ہر ہر عمل, اس کا ہر ہر مسئلہ محبوب کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا, وَهُوَا وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِن مِن بَعْدِي, اور علی المرتضیٰ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہے, ہر مومن کے دوست ہیں, آج بھی ہیں, میرے وصال کے بعد بھی ہیں. اب خاص بات آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیا بات تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ حضور سے اتنے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے کہ حضور نے فرمایا, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اور ہری علی رضی اللہ عنہ ہر مومن کے ولی ہیں. سو جواب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نور اللہ مرقدہ نے ان تمام اسباب کو اپنایا, ان تمام ذرائع کو اپنایا جس سے مومن اپنے محبوب سے قریب ہوتا ہے. وہ نمازی بھی ہوئے, کعبۃ اللہ کا حج کرنے والے حاجی بھی ہوئے, زکات دینے والے, خیرات دینے والے بھی ہوئے, اور نمازی بھی ہوئے, تہجد گزار اور شب بیدار بھی ہوئے, قرآن کے عظیم عالم عارف اور عظیم فقیہ اور مجتہد حافظ و قاری بھی ہوئے. ان کا ظاہر بھی پاک تھا, ان کا باطن بھی پاک تھا. پیغام جمعۃ الوداع کا یہ ہے کہ لوگوں, اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہو جاؤ, آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے. آج معاشرے میں, سوسائٹی میں مختلف مسائل ہیں, مختلف پرابلمز ہیں جس کا سلوشن کسی کے پاس نہیں سوا اللہ اور اس کے رسول کے. اور بس ایک لفظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سلوشن کیا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہونا ہے.
जो जितना ज्यादा करीब होता है उसके प्रॉब्लम उतने ही कम होते चले जाते हैं, जो जितना ज्यादा दूर होता है तो उसका उसके प्रॉब्लम्स और उसके मसाइल और ज्यादा होते चले जाते हैं। चाहे वो तलाक का इशू हो या औलाद की नाफरमानी का इशू हो या फिर माँ बाप के जालिम और जाबिर होने का इशू हो, चाहे वो बैन अलाक़वामी जुल्म और सितम की दास्तानों कहानी हो, चाहे वो आपकी नाइत्तिफाकी हो, चाहे वो आपकी अदावत हो, बुग्ज़ और एनाद हो, हसद हो, कीना हो, अदावत हो, दुश्मनी हो, सब का हल हुजूर के करीब होने में है। सहाबा में ये सब नहीं था, इसलिए नहीं था, उस दौर की उस दौर में ये मसाइल न थे, इसलिए न थे कि वो हुजूर से करीब थे और हुजूर उनसे करीब थे। तो ये एक ही हल है, नमाजों के पाबंद हो जाओ, ज़कात देने वाले हो जाओ, गुनाहों से बचो और एक दूसरे को चाहने वाले हो जाओ, एक दूसरे के हुकूक पूरे करने वाले हो जाओ, तारीकियों और अंधेरों से निकलकर हुजूर की कुर्बत की रोशनी की तरफ आओ, हुजूर की शरीयत की रोशनी की तरफ आओ, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत की रोशनी की तरफ लाओ। लोगों, सारी दुनिया तारीख है, सारे दुनिया में अंधेरा है सिवा मुस्तफा की रोशनी के, सिवा हुजूर अलैहिस्सलाम के रुख अनवर, हुजूर की शरीयत, हुजूर की सुन्नत की रोशनी के। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुआशरती मसाइल हल हों, सियासी मसाइल हल हों, इक्तिसादी मसाइल हल हों, हमारे घर के सारे झगड़े फिर से मोहब्बत आम हो जाए, फिर से चाहतें आम हो जाएं, फिर से हम उस तरह चैन और सुकून की जिंदगी बसर करें जिस तरह हमारे अबाव अजदाद ने की है, तो हल एक ही है, हुजूर से करीब हो जाओ। गुम्बत खजरा के मकीन से करीब हो जाओ, जब उनसे करीब हो जाओगे तो फिर ना कोई प्रॉब्लम होगा, ना कोई मसला होगा, फिर सुकून ही सुकून है, इत्मीनान ही इत्मीनान है। अल्लाह पाक हुजूर सलाम से हमें वालेहाना इश्क, वाले महाना मोहम्मद नसीब फरमाए और हुजूर सलाम की कुर्बतें, हुजूर की चाहतें हम सबको अता फरमाए। वमा अलैना इल्ल बला। وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع 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 ماہ رمضان الفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اور ذوق
عبادت بڑھا تھا آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہِ رمضان الوداع الوداع بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع مسجدوں میں بہا گئی تھی جوک دے جوک آتے نمازی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند عشق میں کر رہا ہوں کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند عشق میں کر رہا ہوں نظر چند عشق میں کر رہا ہوں بس یہی میرا کل ہے عزادہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان پہ لاکھوں سلام ماہ غفران تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئی دشاہِ حرم تم کہنا اس حق پر یہ کرم تم حال آئی دشاہِ حرم تم کرنا ہم سب پر یہ کرم تم کہنا ہم سب پر یہ کرم تم
آقا تم مدینے میں رمزہ دکھانا، آقا تم مدینے میں رمزہ دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ ہائے غفلت تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، آہ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پیلا کو سمغ اعظم امام تو کا ونو کا جلوائے شان قدرت پیلا، کاش محشر میں جب ان کی آمد گور، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، جن کی ہے ہے ادا سنت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہلا تو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام. الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا آج جمعۃ الوداع کا مبارک جمعہ ہے، مولا ہم اپنے تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، تمام لغزشوں سے، تمام ذنوب و معاصی سے سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. مولا ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، گناہوں سے بچا، گناہوں کی لذت سے بچا، گناہوں کے اندھیرے سے بچا، گناہوں کی تاریکیوں سے بچا، گناہوں کی نجاست ہوگا. مولا نیکیوں کی توفیق دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے، مولا اعمال صالحہ کی توفیق دے، مولا حضور علیہ السلام کے طفیل اچھے کام کرنے کی توفیق دے، مولا اچھے کام کرنے کی توفیق دے، حضور علیہ السلام کی سنت، حضور علیہ السلام کی شریعت،
और शरीयत और सुन्नत के तमाम तकाजों को पूरा करने की तौफीक दे। मौला सुन्नत और शरीयत, सुन्नत और शरीयत के तमाम अहकाम और मसाइल की पाबंदी की तौफीक दे। हमारे शब और रोज की जिंदगी को शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढाल दे। मौला अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना मुहिब व महबूब बना, अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब व महबूब बना। मौला हम तुझसे तेरी मोहब्बत के साइल हैं, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साइल हैं, तेरी तालिब है, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तालिब है। मौला हमें अपना तालिब व मतलूब बनाकर अपना मुहिब व महबूब बना, अपना हबीब, अपना वली, अपना दोस्त बना। मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के तुफैल, हुजूर अलैहिस्सलाम से वालेहाना इश्क अता फरमा, हुजूर की अदाओं से वालेहाना इश्क अता फरमा, हुजूर के अफाल व अक़वाल व अहवाल व कैफियात व महसूसात से वालेहाना इश्क अता फरमा, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की चाशनी अता फरमा, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की लज़्ज़त अता फरमा। मौला हमारी नमाजों को, रोज़ों को, ज़कात, खैरात, सदक़ात, तरावी, कुरान करीम, फुरकान हमीद की तलावत, उसका ख़त्म, रमज़ान मुबारक की जुमला इबादात, मुजाहदात, रियाजात, काविशों को, जद्दोजहद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मोतकफीन के एतकाफ को कबूल फरमा। मौला उन्हें बरकतें अता फरमा, उन्हें बरकतें अता फरमा, रोज़ों को कर्ज से निजात अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, जो औलाद नरीना बेटों के तालिब हैं मौला नेक साले औलाद नरीना बेटे अता फरमा, जो साहिबान औलाद हैं मौला उनकी औलाद को नेक साले बना, मुत्तकी परहेजगार बना। हुजूर अलैहिस्सलाम का शैदा, हुजूर अलैहिस्सलाम का आशिक बासफा, गुलाम बावफा बना। मौला जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमें साहिब किरदार हसन बना दे, हमें साहिब गुफ्तार हसन बना दे। हुजूर अलैहिस्सलाम के तुफैल, हुजूर अलैहिस्सलाम की मकबूल दुआओं के तुफैल हमारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा, मुसलमानों की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, मुसलमान जहां कहीं भी आबाद हैं, दुनिया के जिस खित्ते में हैं मौला अपनी हिफाजत अता फरमा, अपनी विकायत अता फरमा, मौला हर अता फरमा, हबीब की हिफाजत और विकायत का हिसार अता फरमा, मुसलमान जहां कहीं भी हैं मौला उनकी हिफाजत फरमा, बिलखसूस अहले फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा, अहले फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा, मौला उनके बच्चों की हिफाजत फरमा, उनकी खवातीन की हिफाजत फरमा, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, जवानों की हिफाजत फरमा, मौला जालिमों के जुल्म से उन्हें बचा, मौला जालिमों के जुल्म से उन्हें बचा, जाबिरों के जबर से उन्हें बचा, मौला उन्हें जालिमीन के जुल्म से नजात दे, मौला जालिमीन के जुल्म से नजात दे। दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, बेबस हैं, आजिज हैं, बे यारो मददगार हैं मौला उनकी मदद फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, इस्लाम को वक़ार अता फरमा, इस्लाम को इफ्तिखार अता फरमा, इस्लाम को रिफ़अतें अता फरमा, इस्लाम को बुलंदियाँ अता फरमा। हुज़ूर मुसलमानों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म बना दे मौला, अदावतों को, दुश्मनियों को, बुग़्ज़ो इनादो हसदो कीना की तमाम कैफियात को मिटाकर मौला हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे, घरों में सुकून अता फरमा, झगड़ों को ख़त्म फरमा, मौला फितना अंगेजों के फितनों से बचा, शरीरों के शर से बचा, फसादियों के फसाद से बचा, अपना हिसार हिफाजत अता फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसार हिफाजत अता फरमा, हुजूर सलाम के दामन रहमत में जगह अता फरमा, सलातो सलाम को कबूल फरमा, सलातो सलाम को कबूल फरमा। जितने हुफाज, कुर्रा, उलमा, सनाख्वाना ने मुस्तफ़ा हाजिर हुए, जितने हमारे भाई, बुजुर्ग या फिर इंटरनेट, जुम्मा टीवी के जरिए से जहां जहां लोग हमारे साथ शरीक हैं, हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, बच्चियां और हमारे बुजुर्ग भाई, मौला सबको हुजूर अलैहिस्सलाम भीख और हुजूर खैरात अता फरमा, सबके जुमला नेक दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, रोज़े रसूलुल्लाह की इबादत हजरी नसीब फरमा, जामे मस्जिद जुम्मा को और इस्लाम के तमाम मराकज़ को हुजूर अलैहिस्सलाम
की मोहब्बत, हुजूर के इश्क, हुजूर की तालीमात, हुजूर के अफकार और नजरियात का मरकज व महवर बना। मौला हमारे वो असातिज़ा, हमारे वो उलमा मुबल्लिगीन जिन्होंने मौला हमारी तरबियत करके हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, आज हमें दर है। मौला उनको आला इलीहीन में अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालहीन की रफाकत अता फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा। जो लोग वफात पा चुके हैं मौला उन सब का खात्मा बिल ईमान फरमा कर मौला उनकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर बना दे, अजाब कब्र से बचा। क़यामत के दिन हुजूर सलाम के जंडा लेवाए हमतले सनाए मुस्तफ़ा नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत नसीब फरमा, हुजूर सलाम की निगाह नाज नसीब फरमा, हुजूर की निगाह वक़ार व इफ्तिखार व मुख्तार नसीब फरमा, हुजूर सलाम कुर्बत नसीब फरमा, हुजूर सलाम का तकर्रुब नसीब फरमा, जन्नत में हुजूर का जवार अता फरमा, जन्नत में हुजूर का जवार अता फरमा, जन्नत में हुजूर का पड़ोस अता फरमा, जन्नत आदन अता फरमा, जन्नत नईम अता फरमा। إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ صَلَّى اللَّهُ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِرَحْمَتِكَ يَا